मौन की परिभाषा बताने वाले ओशो का जन्म स्थान कुचवाड़ा मौन है, वहाँ सन्नाटा पसरा है। कुचवाड़ा ओशो अनुयायियों के लिए तीर्थ है, लेकिन प्रॉपर्टी विवाद के चलते कुचवाड़ा में ताले पड़े हैं। कुचवाड़ा से अंबुज माहेश्वरी की रिपोर्ट। दुनिया भर के लोगों को मौन की परिभाषा बताकर ध्यान के जरिए शांति का सूत्र देने वाले ओशो की जन्मस्थली कुचवाड़ा में इस बार उनके 89वें जन्मोत्सव पर न ध्यान होगा और न ही अनुयायियों की धूम रहेगी। दरअसल फरवरी में आश्रम को लेकर प्रॉपर्टी विवाद सामने आने और फिर कोरोना के चलते यहां अनुयायियों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया था। अब आश्रम के मुख्य द्वार में ताले पड़ गए हैं और यहां कोई आ जा नहीं रहा है। आचार्य रजनीश के ओशो बन जाने के बाद कुचवाड़ा में उनके जन्मस्थली पर जन्मदिन पर होने वाले उत्सव में कई देशों के अनुयायी आते रहे हैं, लेकिन इस बार कुचवाड़ा में सब तरफ मौन ही मौन है और सन्नाटा पसरा हुआ है। आश्रम में केवल जापान की एक सन्यासिनी है जो मौन धारण किए हुए हैं। ओशो के शिष्य सत्यतीर्थ की फरवरी में मृत्यु के बाद समाधि निर्माण पर संकट आया और फिर देखते ही देखते संपत्ति विवाद बढ़ने लगा। रायसेन जिले की बरेली, सिलवानी और उदयपुरा तहसीलों को जोड़ने वाला कुचवाड़ा खरगोन गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर है। ओशो का जन्मस्थल होने के कारण कुचवाड़ा गांव अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। जन्म के वक्त ओशो का नाम चंद्रमोहन जैन था और बचपन से ही उन्हें दर्शन में रुचि पैदा हो गई थी। ऐसा उन्होंने अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ माय गोल्डन चाइल्डहुड में भी लिखा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।